चारधाम यात्रा में हृदयघात से केदारनाथ में 3 महिला यात्रियों की मौत, अब तक मरने वालों की संख्या पहुंची 33। उत्तराखंड में फर्जी डिग्री, असली नौकरी, 3000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की एसआईटी करेगी जांच, 43 पर केस दर्ज कराने की सिफारिश। उत्तराखंड में फिर से तल्ख हुए मौसम के तेवर, अगले 2 दिनों में चटक धूप और गर्म हवा के थपेड़े करेंगे बिहार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर नैनीताल से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद नैनीताल भ्रमण के दूसरे दिन आम जनता की समस्याओं को सुना है और इसके उपरांत सड़क मार्ग होते हुए भीमताल विकासखंड के क्षेत्रागत भवाली मंदिर कैची धाम में पहुंचकर बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन करते हुए ध्यान योग पूजा अर्चना की है व प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। प्रदेश में पर्यटन शांतिपूर्ण चले, इसके लिए भी श्री धामी ने कैची धाम मंदिर में प्रार्थना की है। क्षेत्र हमारा एक पवित्र धाम के रूप में और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में हुई है। बैठक में जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर पीके पांडे ने बताया कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। वाटर टेस्टिंग के लिए हर गांव में 5 महिलाओं को वाटर टेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है, इसमें हर घर नल और नल से जल के तहत सबको 55 LPCD, जैसा सर ने बोला कि पानी देना है, तो हमारे जितने भी गांव हैं यहां पे सबको ही पाइप वाटर के थ्रू जोड़ना है। इसमें चूंकि काम JJM कर रहा है और लास्ट में इन सारी योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर से संचालित किया जाना है, इसलिए शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि इसकी एक सोशल ऑडिट कार्य पूर्ण होने से पहले से ही पंचायती राज विभाग के द्वारा स्टार्ट करा दिया जाए। इसीलिए आज एक समन्वय बैठक पंचायती राज विभाग की जल जीवन मिशन के साथ की जा रही है। विदित है कि हरिद्वार जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक हम लोग सभी योजनाओं का गठन कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य है भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कि सभी गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएं। 55 LPCD का मतलब वो होना चाहिए, एक तरह से उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, और उस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। हरिद्वार जनपद ने काफ़ी प्रगति भी की है इसमें। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर देश की पहली महिला IPS अधिकारी और तिहाड़ जेल की DC रही किरण बेदी ने अपनी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन के सदस्यों के साथ में जिला कारागार रोशनाबाद का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने बंदियों और कैदियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। कैदियों को तनाव मुक्त रखने और जेल का बेहतर माहौल बनाने के लिए किरण बेदी ने वरिष्ठ अधीक्षक मनोज कुमार आर्य की सराहना की है। उन्होंने जेल स्टाफ से मुलाकात कर तिहाड़ जेल के अपने अनुभव भी बताए हैं। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर बीती रात कनखल स्थित निर्मल बाग में सो रहे एक चौकीदार की पत्थर और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और सुबह बुजुर्ग का खून से लथपथ शव बरामद हुआ तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई है। बुजुर्ग की हत्या क्यों और किसने की है, इसकी जांच अब की जा रही है।
और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में सीजन शुरू होते ही बाहर से श्रद्धालु मां गंगा के स्नान के लिए आते हैं, लेकिन अगर हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो रोजाना ही लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। हरिद्वार बस स्टैंड से लेकर हर की पैड़ी, भीमगोड़ा आदि जगह पर घंटों जाम लगा रहता है, लेकिन जाम से निजात दिलाने के लिए हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आई जो कि जाम को खुलवा सके। कई बार उत्तराखंड पुलिस ट्रैफिक को लेकर कई ट्रैफिक चालान प्लान बना चुकी है, लेकिन उन प्लानों को धरातल पर कहीं नहीं है। इस बीच जाम का फायदा उठाते हुए चित्रा टॉकीज के पास चोर ने ऑटो में बैठे यात्री के गले की चेन तोड़ ली। चोर भाग निकला, हालांकि लोगों ने उसे दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और जमकर उसके पिटाई कर चेन छीन लिया है और चोर किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकला। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में लंबे समय से जिसमें फरोशी का गंदा धंधा चल रहा था, मंडी पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक होटल में धंधा चल रहा था और होटल के मालिक और बेटा पहले से ही जेल में जा चुके थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस को उसकी भनक नहीं थी, लेकिन पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम थी। तो वहीं रुद्रपुर से आई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम की सूझबूझ से होटल पैराडाइज छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। डेढ़ दर्जन से अधिक युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने पकड़ लिया है। स्थानीय लोग काफी लंबे समय से होटल पैराडाइज में संचालित सेक्स रैकेट की शिकायत करते थे। इसमें इस होटल में काफ़ी दिनों से शिकायतें आई थी और रिटर्न में भी मेरे पास शिकायतें हैं और हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेल गठित किया गया है, तो इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं हम उसमें छापामारी करते हैं और इसमें आज हमने छापामारी की तो काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई है। इसमें काफ़ी जो लोगों को ठहराया गया है रूम में, जैसे तीन तीन चार चार लोगों को ठहराया गया, तो उनकी कोई एंट्री नहीं है ना उनकी कोई किसी प्रकार की आईडी ली गई है, तो इसमें हमने काफ़ी अभी 15-20 लोगों को जो है हिरासत में लिया है। इसमें पूछताछ की जाएगी जिसमें इसमें कोई भी अनियमितता जिसके खिलाफ कोई इस तरह से पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर यूपी से सटे खटीमा के मझोला गांव में खटीमा प्रशासन ने सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जहां पीड़ित परिवार गिड़गिड़ाते रहे लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पीड़ित ने बताया कि अतिक्रमण युक्त केवल गरीबों के ही मकान तोड़े जा रहे हैं, प्रभावशाली लोगों के मकान नहीं तोड़े जा रहे, और साथ ही उन्होंने प्रशासन से जगह आवंटित करने की भी गुहार लगाई है। तो वहीं इस मामले में खटीमा एसडीएम रविन्द्र बिष्ट ने बताया कि सरकारी जगहों पर अतिक्रमण युक्त सारी जवानों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और तालाब के मामले में उन्होंने बताया कि सारे अतिक्रमण युक्त तालाबों को 1952 की स्थिति में लाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने निकाल के कुंवर पाल सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2018 के निर्णय के आदेश के क्रम में इसके अनुपालन में हम जहाँ भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसको हम सेक्शन 132 जनरे एक्ट के अंतर्गत आती है, जिसमें पोखर हो गया, आपका जोहड़ हो गया, तालाब हो गए, पनगट हो गए, गौचर हो गए, इन सभी भूमि में अतिक्रमण को हटाने का हमें आदेश मिला। उसी क्रम में आज मझोला में हम इसमें 2.5 बीघा के लगभग जो तालाब था उसमें अवैध अतिक्रमण था उसको हम हटाने की कार्रवाई की थी। पूर्व में भी इसमें कार्रवाई की थी, कुछ लोग कुछ घर बच गए थे, आज हम उसको पूरा खाली कर रहे हैं। जब तक पूरे तालाब हमारे 1952 की स्थिति में नहीं आ जाते कार्रवाई चल रही है। लग गया सारे तालाब जो हैं जो 1952 में जो उसकी स्थिति थी जैसे उसकी प्रकट थी उसी स्थिति में लाया जाएगा और सारे तालाब। थैंक यू। आवास मेरा था इंदिरा आवास था बना हुआ, मैं 1984 से मैं यहाँ पर काबिल हूँ। 1984 इंदिरा कांड हुआ था तब से मैं उससे पहले से मेरा है यहाँ पर, और 2008 में जो 7-8 में मेरे को इंदिरा आवास मिला उसमें पैमाश हुई है, उसमें तहसीलदार, सेक्रेटरी, पटवारी और ग्राम प्रधान इनकी सबकी पैमाइश से ही मेरे को इंदिरा आवास। तो आपका कह रहे हैं मुझे इंदिरा आवास क्यों मिला? क्यों मिला? और दूसरी बात, मेरा एक ही तालाब नहीं है, इस गांव के अंदर 5 तालाब हैं। कौन कौन सी जगह पे तालाब हैं? थोड़ा सा थोड़े से मेरे पीछे है,
एक वहाँ पर होली का जहाँ पर होलिका होती है ना, होलिका माता का, वहाँ पर भी उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा, वहाँ भी तालाब था। दूसरा एक तालाब वहाँ पर फील्ड के पास में है, एक तालाब के पीछे है, पांच तालाब है। मैंने अपने होश में अपने तो जो निकलेंगे इसमें सारे गरीब ही लोग रहते हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर देर रात शहर कोतवाली क्षेत्र में शिव मूर्ति चौक के पास का है, जहां पर एक कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवकों को हल्की चोटें आई हैं। तभी दोनों पक्षों के बीच गलती को लेकर एक दूसरे से बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में यह बहस मारपीट में तब्दील हो गई और फिर आपस में लात घूंसे चले। ये पूरी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कार के ड्राइवर को गाड़ी से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतरा। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार का शीशा भी तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी कार का चालक गाड़ी से नहीं उतरा। इस दौरान मौका देखते ही कार चालक महिला को बैठा कर मौके से फरार हो गया है। अब सीधा आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद में मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। सरकार के सहयोग से तो हुई थी, लेकिन हर एक संस्था की अपनी क्षमता होती है। लखनऊ में पहले से ही हमारे पास SGPGI के बाद स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की आबादी का जो घनत्व था उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी दिनों से मांग हो रही थी कि न केवल शासकीय स्तर पर बल्कि जब शासन ने अनेक स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई हों, आयुष्मान भारत के साथ साथ प्रदेश में हम लोग मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो, 5 लाख रुपये सालाना प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जब सरकार कदम बढ़ा रही हो, स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाओं ने उपलब्ध हो, इससे अच्छा सराहनीय कार्य दूसरा नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल को और उनकी पूरी टीम को ग्लोबल हेल्थ केयर के रूप में कैंसर के अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस केंद्र को स्थापित करने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, उनके इस अभिनंदनीय प्रयास की सराहना भी करता हूँ। मित्रों, कैंसर के उपचार का एक केंद्र जो 200 बेडेड हॉस्पिटल यहां पर स्थापित किया गया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त तो यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मैंने अभी यहां देखा है कीमोथेरेपी के वार्ड को भी मैंने नजदीक से देखा है, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी हैं, अत्याधुनिक लीनियर एक्सलेटर 2 बीम मशीन भी है, ब्रैकीथेरेपी तक कैंसर के निर्णायक जांच के लिए पेट सीटी, गामा कैमरा, अत्याधुनिक सीटी स्कैन, MRI और मेमोग्राम जैसी सुविधाएं यहां पर एक छत के नीचे किसी भी मरीज को उपलब्ध हो सकती है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल लखनऊ के लिए कोई नया नाम नहीं है, यद्यपि उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से DM की डिग्री लखनऊ के ही प्रतिष्ठित प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान SGPGI से ली थी, लेकिन अपने परंपरागत उस फील्ड से अलग हट करके कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए भी एक ग्लोब केयर सेंटर की स्थापना सचमुच एक सराहनीय प्रयास है। मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं, अंततः हमारा परिणाम हमारे द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से सामने देखने को मिलता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि दुनिया के अंदर भारत से अधिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के तमाम देशों में है, खासतौर पर US या यूरोपियन कंट्रीज
इनके पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत से बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के सामने इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह विफल होती भी दिखाई दी। और जब कोरोना के परिणाम सामने आए हैं तो मृत्यु दर भारत की सबसे कम देखी गई, और दुनिया के उन देशों ने जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में कोरोना के सामने उनके यहां सत्ताएं हिलती भी दिखाई दे रही हैं। आज मैं चीन के बारे में भी पढ़ रहा था कि वहां पर कोरोना की चौथी लहर से पूरी तरह लॉकडाउन में पूरा चीन चल रहा है। दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के मन में स्वास्थ्य के उन सामान्य जानकारियों के बारे में जो जागरूकता पैदा की, उसका परिणाम हमें न केवल कोरोना कालखंड में देखने को मिला, बल्कि देश ने इस दौरान अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी बेहतर करने में काफी मदद की। आज उत्तर प्रदेश तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अपराधियों के लिए शामत साबित हो रहा है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी इस बुलडोजर मॉडल का असर दिखना शुरू हो गया है। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में इस बुलडोजर मॉडल का ट्रायल किया और ये ट्रायल सही साबित हुआ, जहां बुलडोजर चलने के कुछ ही समय के बाद आरोपी ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बीती 9 मई को ग्राम केसरी गणेशपुर थाना कुंडा क्षेत्र में मिट्टी खुदान को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की घटना की गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी जगरूप सिंह पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। इसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह व एएसपी चंद्रमोहन सिंह आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लेकर पहुंचे और बुलडोजर से उसकी अवैध संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पे पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी, तो मौके पे ये पाया गया जो अभी जो घटना में आपराधिक हैं या वहाँ ये पाया गया कि कुछ ऐसी चक्रूड हैं जिस पर अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसी वृक्षारोपण की भूमि है जहाँ पर भी अतिक्रमण है, और कुछ ऐसे खेल के मैदान भी हैं जो ग्राम सभा की होती है उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। तो सारे अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है और मौके पे तत्काल, क्योंकि चक्रोड जो है एक सार्वजनिक रास्ता होता है, मौके पे वहाँ टीम हमारी पूरी उपस्थित थी, तो चक्रोड जो होता है उसको हमने तुरंत वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया। 9 मई की रात को सूचना मिली थी कि जो केसरीपुर गांव है भरतपुर पन्नू फार्म के निकट थाना कुंडा क्षेत्र में, तो वहाँ पर दो पक्षों में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर विवाद हुआ और जिसमें गोलीबारी हुई। तो इसमें एक पक्ष अनूप सिंह और जोगा सिंह है, उनकी शिकायत थी कि इन लोगों ने जोगा सिंह पर फायर किया है और वो घायल हो गया और फिर अस्पताल ले गए जोगा सिंह को। सूचना पर पुलिस गई, मौके से जो है खोखे भी बरामद हुए, जिसमें कि 12 बोर के भी हैं और 32 बोर के, दो खोखे 32 बोर के पिस्टल के। इसमें सतनाम सिंह जो इसका मुख्य अभियुक्त है उसकी वहीं से गिरफ्तारी हो गई थी। इसमें दो अभियुक्त, सतनाम सिंह का छोटा भाई जगरूप सिंह और सतनाम सिंह का बेटा गुरप्रीत उर्फ गोपी, ये फरार हो गए थे, तो आज जगरूप की गिरफ्तारी हुई है। और अगली खबर खटीमा से है, जहां पर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और पीलीभीत रोड खुदागंज में मेन रोड बड़िया चौराहे पर अवैध मिट्टी खनन कर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट की गाड़ी को कुचलने के प्रयास से मारी थी जोरदार टक्कर। एसडीएम सहित गाड़ी में सवार सभी कर्मी बार बार बचे, तो वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर टक्कर मारने के बाद चालू हालत में ट्रैक्टर को छोड़कर भागने में रहा सफल। आपको बता दें कि इन दिनों खटीमा में परमिशन की आड़ में अवैध मिट्टी खनन का काम जोरों पर चल रहा है। खनन कारोबारी दिन रात बेखौफ अपने कारोबार को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जबकि खटीमा प्रशासन द्वारा लगातार इस पर अंकुश लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पॉलिसी से स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2018 के निर्णय के आदेश के क्रम में उसके अनुपालन में हम जहाँ भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसको हम सक्षम माध्यम टू डिजिटल एक्ट के अंतर्गत आती है, जिसमें पोखर हो गया, आपका जोहड़ हो गया, तालाब हो गए, पनगट हो गए, ग्वाचर हो गए, इन सभी भूमि में अतिक्रमण को हटाने का हमें आदेश कहा। उसी क्रम में आज मझोला में हम इसमें 2.5 बीघा के लगभग जो तालाब
घर था उसमें अवैध एक्सपेरिमेंट था, उसको हम हटाने की कार्रवाई की थी। पूर्व में भी इसमें कार्रवाई की थी, कुछ लोग कुछ घर बच गए थे, आज हम उसको पूरा खाली कर रहे हैं। जब तक पूरे तालाब हमारे 1952 की स्थिति में नहीं आ जाते, ये पूरी कार्रवाई चलती थी। फिर लग गया है सारे तालाब जो हैं, जो 1952 में जो उसकी स्थिति थी, जैसे उसकी प्रकृति थी, उसी स्थिति में लाया जाएगा और सारे कुछ तालाब। थैंक यू। और अगली खबर नैनीताल से, जहां पर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य अतिथि गृह में आयोजित बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में प्रतिभाग करने नैनीताल पहुंचे, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल क्लब में बजट पर संवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य का बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल, उद्योगपतियों, परिवहन, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे हैं। सीएम ने कहा कि इन सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा ताकि प्रदेश को आदर्श राज्य बना सके। हमारी यूनिवर्सिटीज को और हमारी लैबोरेटरीज को मैंडेट दिया जाना चाहिए। सामान्य जनता का बजट हो, उस बजट में सभी के सुझाव आ जाए, क्योंकि विभिन्न विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होटल वालों को, हमारे जो है परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघों में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इस सेक्टर को, और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले, हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जिससे हमारा राज्य जो है 2025 आते आते एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाए, अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाए। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में श्रम कानून संबंधी, अपराध संबंधी, वैवाहिक मतभेद सहित जमीन विवादों और अन्य केसों में सुनवाई हुई है। लोक अदालत में वादों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभिन्न विभागों से अधिकारी भी मौजूद रहे। अदालत में प्रदेश भर से वादी पहुंचे थे। रजिस्ट्रार जुडिशियल अरविंद कुमार ने बताया कि लोक अदालतों से आम लोग जो सुलह समझौते के माध्यम से अपने विवाद निपटाना चाहते हैं, उन्हें राहत मिलती है। यह मुख्यतः मध्यस्थता से निपटाने वाले वाद होते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा अध्यक्षता में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर में आयोजित की गई है, जिसमें काफी सहयोग पक्षकारों का और अधिवक्ताओं का, और ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके जितने ऑफिसर्स हैं सबका सहयोग मिला, और प्रक्रिया अभी चल रही है। काफ़ी मामले निस्तारित भी हुए हैं, जिनमें 19 मामले जो हैं, जो विभिन्न प्रकार के मामले हैं, जिनमें इंश्योरेंस के मामले, मोटर एक्सीडेंट के मामले हैं और कुछ मैट्रिमोनियल मामले हैं, उनका निस्तारण हुआ है। प्रक्रिया अभी जारी है, अभी तक 19 मामले निस्तारित हो चुके हैं और अभी प्रयास जारी है। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर जिले में आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं और ताजा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी नंबर 3 का है। भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की की गोली मार दी गई, जिसके बाद संदीप कार्की को इलाज के लिए मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। भैया खबर देहरादून से, जहां पर राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम काफी लंबे समय से जारी है। स्मार्ट सिटी के काम के चलते जगह जगह पर सीवर व पानी के लाइन के लिए खुदाई का काम और सड़क निर्माण काम किया जा रहा है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार स्मार्ट सिटी के सीईओ, जिलाधिकारी और आर राजेश कुमार उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी का हाल जस का तस बना हुआ है। स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और जब घर में कोई काम होता है तो सामान तो फैलता ही है।
देखिए स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं एक सोच, एक नए विजन के साथ हमारा एक सपना है। जब काम होता है दिवाली से पहले, ईद से पहले, जब आप अपने घर में डेंटिंग पेंटिंग पुताई कराते हैं तो घर बिखर जाता है, लेकिन घर बिखेरने का मकसद घर को संवारना होता है। शायद कांग्रेस की कटाक्ष केवल हम पे करती रही है, जनता सब समझती है कि घर को सुधारने की, संवारने की एक ईमानदार कोशिश है। हमने गैस पाइपलाइन बिछा दी है, बढ़िया जल की पाइपलाइंस बिछ गई हैं, रोड्स और रोड्स के बराबर में फुटपाथ की व्यवस्था, प्रॉपर लाइट्स की व्यवस्था, बहुत खूबसूरत स्मार्ट सिटी दिखने जा रही है। मुझे लगता है जहां कमी रह गई है युवा मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो गड़बड़ अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अगली खबर काशीपुर से, जहां पर थाना कुंडा क्षेत्र में पांच दिनों के पहले मिट्टी उठाने को लेकर विवाद और गोलीकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेजी करते हुए वारदात में शामिल आरोपियों में से दूसरे आरोपी जगरूप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी ग्राम भरतपुर पन्नू फार्म थाना कुंडा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जहां कहीं भी कोई आपराधिक घटना, अगली खबर लक्सर से है, जहां पर बरसात का मौसम सर पर है, लेकिन लक्सर नगर के निकासी नालों और नालियों की हालत ठीक नहीं है। नगर का मुख्य बाजार हो या फिर हरिद्वार रोड मोहल्ला हो या फिर कहीं भी हम देखें तो लगातार गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हालात क्या हैं। धन्यवाद जसवीर जी, हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है और हमने इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में इस बार मानसून आने की संभावना है। हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी और जितने भी हमारे, वैसे तो नाले सभी हमारे निगाहों में कि भाई जो हमारे नए नाले बने हैं और पुराने तो एज इट इज़ हमारे सफाई में चलते ही हैं, तो हम बहुत ही जल्दी इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर और सफाई नालों की, सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाएगी। बोर्ड के मेंबर होने के नाते से मैं कहना चाहता हूँ, जो साहब को वैसे अपने स्तर पे कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी अपने स्तर पे कर रहे हैं कि समय से पूर्व ही नालों की पूर्व तय सफाई करवा ली जाए, ताकि लोगों के घरों के अंदर पानी या गंदा पानी ना जाए और बरसात के दौरान हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो सामना ना हो पाए। यहाँ से सुबह शाम सफाई कर्मचारी आते नहीं है, अगर आते भी है तो जू का तो कूड़ा यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। आप बाहर का ये सीन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या कूड़ा पड़ा है। रही नानी की बात, नालियाँ सारी चौक पड़ी हैं और बरसात लगने वाली है, आगने वाले समय में क्या होगा? ये तो अब थोड़े दिनों में बारिश की संभावना बन रही है, तो ये सारे जो नाले हैं ये अटे पड़े हैं गंदगी से, तमाम कबाड़ कुबड़ भरा पड़ा है। आने वाले दिनों में बहुत समस्या पैदा हो जाएगी और सब जगह गंदगी गंदगी है, कोई ध्यान नहीं इस ओर दे रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।